नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म भरने में लगातार बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और ऐसे में बच्चों इसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तैयारी प्रारंभ करने से पहले ही आपकी तैयारी समाप्त हो सकती है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग फॉर्म भरिए। अभी एक न्यूज़ कटिंग भी चल रही है लगातार और बहुत सारे इस न्यूज़ कटिंग में ये बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन से फ़ोटो खींच के क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। रेलवे ने साफ साफ FAQ जारी किया था, उसमें गाइडलाइन बताया था कि आपको किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि आप सभी को जो फ़ोटो है वो कैंडिडेट को जो आवेदन करना है वो मोबाइल से नहीं ली जानी है। मोबाइल से ली गई फ़ोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन रद्द हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर्म मोबाइल से का प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि आज के समय में तकनीकी साधन, आजकल फोन में भी कैमरा बहुत बढ़िया बढ़िया आने लगे हैं तो बच्चों को लगता है कि लाओ फोन से ही फोटो ले लें ठीक है। हालांकि फोन से फोटो लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो, लेकिन इसका पैरामीटर ये है कि जो उन्होंने डायमेंशन दिया है और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। आप फ़ोन से फ़ोटो तो ले लेते हो लेकिन जब आप पर्टिकुलर डायमेंशन में लाते हो तो फ़ोटो फट जाती है, खिंच जाती है, ब्लर हो जाती है, आँखें स्पष्ट नहीं होती हैं, यहाँ पर दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं कहाँ पर हो रहा है, बच्चे एक्शन में फ़ोटो ले रहे हैं, कोई ऐसे करके सेल्फी लेके फ़ोटो खींच ले रहा है, कोई दीवार पर खड़े होकर ऐसे करके। जब आप ऐसे करके करते हो ना तो आपका ये हाथ थोड़ा उठ जाता है क्योंकि फ़ोटो तो आपका हाथ उठाएगा, आपके हाथ का पोस्चर ये होना चाहिए। आप अगर जाते हो, आप किसी स्टूडियो में जाओ, आपके अगल बगल आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई फोटो स्टूडियो वाले होंगे, उनके पास जाओ, उनसे बोलो भैया हमें फॉर्म भरवाना है, रेलवे का फॉर्म भरवाना है, आप हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में एक बना के दे दो, तो वो पासपोर्ट साइज फोटो आपकी बढ़िया हाथ ऐसे फोल्डेड करवा के बिठा के पीछे बैकग्राउंड जो आपका होगा वो लाइट बैकग्राउंड करके और एक सही पोजिशन में आपकी फोटो खींच के दे देंगे। आप ज़्यादा हीरो बनोगे, इधर करके सेल्फी लोगे, इधर सेल्फी लोगे, किसी दोस्त से बोलोगे लो हमारा फोटो खींच दो तो पता लगे पीछे दीवार बहुत ज़्यादा चमक रही है, इससे आपकी फोटो क्लियर नहीं आई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एंगल ना सही हो, कहीं गर्दन टेढ़ी हो, कुछ टेढ़ा हो, तो ऐसे में आपका फॉर्म क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बोला भी है कि 8113 वैकेंसी के लिए जो गुड्स ग्रेन ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जैसे पद हैं, इसमें मोबाइल से ली गई फोटो का उपयोग करना उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकता है, ऐसा करना उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है। दरअसल रेलवे ने इस लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है, इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फोटो मान्य नहीं है, तो आप लोग स्टूडियो में जाकर के ही फोटो खिंचवाइए, ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, साइन में भी बच्चे गलती कर रहे हैं। साइन में आपको कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर में निकलना है, रनिंग हैंड में आपको साइन करना है और वो भी आप चाहो तो स्टूडियो में जाके आप अपना साइन करो पेपर पे, वो आपको फोटो बना के दे देंगे, वो फोटो आप अपलोड करो ताकि आपका क्या हो जाए, वो फोटो आप अपने जीमेल पे, ईमेल आईडी जो भी हो आप उस पर भी उनसे ट्रांसफर करवा लो ताकि जब भी कोई भी भविष्य में फॉर्म भरना हो तो वो फोटो आपका यूज हो जाए। तो कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना है, सावधानी आपको बरतना है, ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं ALP में भी, टेक्नीशियन में भी हजारों हजार बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और बाद में आयोग ने कुछ नहीं सुना है। हालांकि एक चीज समझिएगा, आपको मॉडिफिकेशन का समय देगा, अगर अभी कोई गलती हो गई है, फॉर्म भर दिया है, तो उसके लिए पैनिक मत होइए, मॉडिफिकेशन का आपको समय दिया जाएगा और मॉडिफिकेशन में आप लोग सही कर लीजिएगा, फोटो साइन हस्ताक्षर बहुत ज्यादा जरूरी है। रही बात तैयारी करने की, तो बहुत सारे बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर तैयारी कहां से करें। आप सभी के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर कोर्स बहुत मिनिमम प्राइस में, अभी यह ऑफर 199 में चल रहा था NTPC 2.0। आप किसी भी बैच का, रेलवे में ग्रुप डी, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, किसी भी JEE से RPF की तैयारी करना चाहते हैं, सभी के बैचेस मात्र 199 में थे। ये आज रात्रि 12 बजे तक, मतलब 12 AM की बात कर रहा हूं, आज रात 12 बजे तक ऑफर है, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने जा रही है। तो आप में से जो बच्चे अभी तक नहीं ले पाए हैं वो ले लीजिए, क्योंकि अब ये फीस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑफर समाप्त हो जाएगा। 2 सप्ताह से ज्यादा तक हमने ये ऑफर आप लोगों के लिए रखा था और आप सभी भाइयों को जिन्होंने कोर्स से जुड़ गए सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतना विश्वास टीम परीक्षा प्लस पर दिखाए हो, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके विश्वास का जो अंजाम होगा वो बहुत ही बेहतरीन और आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा। आपके सिलेक्शन कराने का जो जिम्मा है वो मेरा है।
मैंने अपने पूरे टीम को भी बोल दिया है, मैंने सभी को बोल दिया है कि इस बार मुझे सिलेक्शन रेशियो कम से कम 80-85% से ज्यादा चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए किसी कीमत पे। आप बच्चों को कॉल करिए, अगर वो सीरियस नहीं है आप उनकी फीस रिफंड कर दीजिए, क्योंकि हम अपना सिलेक्शन रेशियो खराब नहीं करेंगे। हमारे पास अगर 4000 एडमिशन आते हैं तो हम 3200 कम से कम सिलेक्शन देने के काबिल बनेंगे और देके दिखाएंगे आपको कि हम 80% से कम रेशियो सिलेक्शन नहीं देंगे। उसके लिए हमें सामदाम दंडभेद कुछ भी करना पड़ जाए, आपको सारी किताबें, सारी क्लासेस, सब कुछ आपको प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। आपको जो भी जरूरत की किताबें हैं वो सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएंगी, हालांकि कंटेंट किताबें सब कुछ परीक्षा प्लस का आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप लोग बहुत सारी किताबें जो प्रीवियस ईयर और इन सबको मांगते रहते हो, वो किताबें भी आपको परीक्षा प्लस के ईबुक सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो भाई देर मत करो, बहुत कम प्राइस है, इतने कम प्राइस में, चैलेंजिंग प्राइस है कि कोई संस्थान इतने कम में और इतने गुणवत्ता के साथ आपको नहीं दे सकता। और जो मेरा वादा है कि मोर देन 80% सिलेक्शन करके दिखाना, जब रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे 80% से ज्यादा सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, और इसमें मेहनत आपको करना होगा, मेहनत हमें करना होगा, लेकिन जब हम दोनों साथ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन का भी अंजाम बहुत बढ़िया होगा। आप लोगों ने कहां से फॉर्म भर दिया एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी तैयारी चालू हो गई है, नहीं चालू हुई है, क्या कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिया हूं, और अगर नहीं किए हैं तो परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। शाम को 6-7-8 बजे हम लोग यूट्यूब पे फ्री सेशन लाते हैं, आप उन्हें लेके कर सकते हो, बहुत बेहतरीन सेशन। और आपका जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल भी आपका अपडेट कर दिया गया है, नए जो बैच हैं दोपहर के 12 बजे से लेके और लगातार 4 बजे तक आपकी पेड क्लासेस चल रही हैं, तो लगातार आप इन क्लासेस में जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।